और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रांची रोड द्वारसिनी चौक के पास एक कार में आग लग गई। कार में सवार दो लोग बुरी तरह झुलस गए। थाना प्रभारी ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि देर रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी, जिसकी वजह से कार में शॉर्ट सर्किट हो गई और आग लग गई थी और इसके बाद ये हादसा हो गया। देखिए, दो लोग झुलस गए हैं, इस चलती गाड़ी में आग लग गई, डिवाइडर से टकरा गई थी ये कार, उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और इसमें दो लोग सवार थे, दोनों बुरी तरह से झुलस गए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन हालत उनकी नाजुक है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम बुंडू से दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार में देर रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया डिवाइडर से टकराने के बाद और इसमें दो लोग बुरी तरह से झुलस गए। कार में आग लग गई। और देखिए, कार में आग लगने के बाद जो दो लोग सवार थे वो दोनों बुरी तरह से झुलस गए। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी दिनेश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बुरी तरह से झुलस गए, उनकी हालत कैसी है? जी मैं बता दो, ये 33 रांची टाटा रोड द्वारसिनी के चौक के समीप की घटना है। रात को जमशेदपुर की तरफ से आ रहे थे गाड़ी पर सवार थे 6 आदमी। रोड पे सीमेंट का बोरी रखा हुआ था, ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि क्या गड्ढा है, क्या है, क्या नहीं है, किधर डिवाइडर है। वो गाड़ी का स्पीड गति इतना ज्यादा था कि जाके डिवाइडर में टकरा गई। डिवाइडर टकराने के बाद गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। मौके पर पुलिस गश्ती निकली हुई थी। सामार थाना प्रभारी दीपक कुमार, उन्होंने मौके पर पहुंच कर सभी को निकाला गया, जिसमें दो आदमी को आग पकड़ लिया था। लेकिन काफी मकसद करने के बाद पुलिस को सफलता मिली। मिलने के बाद उन लोगों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा है, तमाम हॉस्पिटल में इलाज के बाद उन लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। अभी बताया जा रहा है कि डॉक्टर से इस विषय पर बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी सभी की हालत ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो कार में आग लग गई, दो लोग बुरी तरह से झुलस गए और ये चलती कार जो डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई और इस दौरान दो लोग सवार थे कार में, दोनों झुलस गए। दोनों को पहले तो नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन फिर उनकी हालत को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।